दोस्तों, मैं सुकुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल हिंदी नेट ज्ञान। दोस्तों, कार मार्केट में डीजल, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इन सब पे चलने वाली गाड़ियां जो है सो आज के डेट में मार्केट में मौजूद है, लेकिन हाइब्रिड कारें काफी महंगी होती है, जबकि CNG फिल कराने के लिए लंबी लाइनें लगनी पड़ती है जिसमें काफी समय लगता है। तो दोस्तों, ऐसे में दो विकल्प आपके सामने आते हैं, पेट्रोल और डीजल का। अब सवाल यह है कि पेट्रोल कार का ज्यादा बेहतर होता है या डीजल कार ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, वैसे जो लोग रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं वो तो डीजल कार लेना ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको पेट्रोल और डीजल कार के बारे में कुछ फैक्ट बातें आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा और साथ साथ आपको पेट्रोल और डीजल कार चुनने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा कार बेस्ट होगा, पेट्रोल कार या डीजल कार। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीमत की। दोस्तों, ग्राहकों की सहूलियत के लिए ज्यादातर मॉडल्स पेट्रोल और डीजल में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी कीमत में एक बड़ा फर्क नजर आता है। जैसे मारुति सुजुकी बलिनो के पेट्रोल वर्जन की कीमत 5.25 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, तो वहीं बलिनो डीजल 6.36 लाख रुपए से शुरू होती है और यहाँ फर्क 1 लाख रुपए से ज्यादा का है। यही हाल सेडान और SUV में भी है। जैसे हुंडई के नई एलांट्रा के पेट्रोल मॉडल की कीमत 12,99,000 रुपए है, जबकि इसके डीजल मॉडल की कीमत 14.71 लाख रुपए से शुरू होती है। यहाँ भी कीमत में 1.80 लाख रुपए का अंतर है, तो आपको जो है सो डीजल कार महंगी मिलती है और पेट्रोल का सस्ती मिलती है। तो बात हुई कीमत के बारे में, अब बात कर लेते हैं माइलेज। तो माइलेज को लेकर पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले डीजल गाड़ियां ज्यादा माइलेज देती है। जैसे बलिनो का पेट्रोल मॉडल जहां 21.4 KMPL की माइलेज देता है, तो वहीं इसका डीजल वर्जन 27.39 KMPL माइलेज देना का वादा करता है। अब आपको देखिए, यहां पर फर्क करीब 6 किलोमीटर का है। सेडान कारों में भी माइलेज में बड़ा अंतर नजर आता है। एलांट्रा पेट्रोल की माइलेज 14.59 KMPL जबकि डीजल वर्जन की माइलेज 22.54 KMPL है, तो एक बड़ा फर्क यहाँ भी देखने को मिलता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सर्विस। पेट्रोल कार के मुकाबले डीजल कार की मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट, ओवरऑल सर्विस थोड़ा महंगा होता है, जबकि बलिनो पेट्रोल की फोर पेड सर्विस का ओवरऑल खर्चा 4,000 रुपए के आसपास आता है, तो वहीं डीजल बलिनो के लिए आपको देने पड़ते हैं 6,300 रुपए। और एक्सपर्ट की माने तो जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ने लगते हैं। यहाँ हम आपको नीचे आपको कुछ मेंटेनेंस के बारे में बता रहे हैं, पेट्रोल और डीजल में मेंटेनेंस कॉस्ट में कितना फर्क होता है। दोस्तों, मेंटेनेंस कॉस्ट मारुति बलिनो पेट्रोल की बात करें तो नॉर्मल इंजन ऑयल 1,350 रुपए का आता है, ऑयल फिल्टर आता है 170 रुपए का, फ्यूल फिल्टर आता है 480 रुपए का और सर्विस चार्ज 1,300 रुपए में आता है। वहीं मेंटेनेंस कॉस्ट मारुति बलिनो डीजल की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल इंजन ऑयल 1,680 रुपए, ऑयल फिल्टर 1,380 रुपए, फ्यूल फिल्टर 1,420 रुपए, सर्विस चार्ज 1,300 रुपए। तो इस प्रकार से आपको सर्विस चार्ज सिर्फ 1,300 रुपए पड़ते हैं, बल्कि यहाँ पर आप जब फ्यूल फिल्टर देख सकते हैं 480 रुपए का पेट्रोल का आता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूल फिल्टर आपको 1,420 रुपए का डीजल में आता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो इस समय दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दोस्तों 64.05 रुपए है, जबकि 1 लीटर डीजल 52.63 रुपए में मिल रहा है, यानी अभी फर्क करीब 12 रुपए का है। अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज्यादा है तो आपको डीजल कार लेनी चाहिए, क्योंकि डीजल सस्ता है पेट्रोल के मुकाबले और इसमें आपको ज्यादा माइलेज भी मिलता है। वहीं अगर आप कम दूरी की और कभी कभी कार यूज करते हैं तो आपको पेट्रोल कार ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।